हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जाहिद शेख। आप रहेंगे जीत फिटनेस, जिंदा बॉडी बनाएंगे। बहुत दिनों से मुझे जो है होममेड प्रोटीन पाउडर की रिक्वेस्ट आ रही थी। कम से कम 6 महीना हो गया जिसके लिए मैंने वेट किया था। 6 से 7 महीने से मुझे पूछा जा रहा था कि हमें होममेड प्रोटीन पाउडर बनाना है। फिलहाल आज वो दिन आ गया जो मैं आज बना रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैं सारे जो इन्ग्रीडियंट्स लेके आया था, आज मैं जो बना रहा हूँ वो होममेड सप्लीमेंट है। होममेड सप्लीमेंट में ज़्यादा करके हम लोग जो जो यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पे 5 चीज़ ली है, आपको मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ें। वो सबसे पहली चीज़ जो है ये 200 ग्राम है, ये कच्ची है और ये एक चीज़ बनाना है। और सेकेंड चीज़ है ओट्स, ओट्स भी आपको लेना है 150 ग्राम्स। उसके बाद है एलमंड्स, एलमंड्स लेना आपको लेना है कुछ 150 ग्राम। ये है चार मगज़, चार मगज़ आपको लेना है 100 ग्राम्स। और ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। अभी मैं इन सबको रोस्ट करूंगा। आपको मैं रोस्ट करने का तरीका बताता हूँ किस तरह रोस्ट करते हैं इसको। पहले शुरू करते हैं ओट से। बेटर है स्पोक यूज करें। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ 4 मगज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हर आपको जो जितनी भी चीजें आपने इंग्रेडिएंट को रोस्ट की है वो सबको आपको जार में ग्राइंड करना है। हर एक चीज को, ग्राउंड नट को आपको ज्यादा नहीं पीसना है। अगर ग्राउंड नट को आप ज्यादा पीसेंगे तो ये ऑयल छोड़ देगा और ये आपके प्रोटीन पाउडर नहीं बना पाएगा। इसके लिए आपको इसको थोड़ा हल्का सा सूखा रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते एकदम सूखा है, ये इतना सूखा आपको रखना पड़ेगा एकदम। सब कुछ ग्राइंड हो चुका है आपके सामने, मैंने रख चुका हूँ। जितना भी मेरे को मिक्सी में पीसना था मैंने सब कुछ पीस डाला। ये है ग्राउंड नट और ये है ओट्स और ये है एलमंड, ये है 4 मगज और ये है मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर पिक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने जो ग्राउंड नट लिया था वो 200 ग्राम था, ओट्स जो था 150 ग्राम था और ये 4 मगज 100 ग्राम था और एलमंड 150 ग्राम था। और मिल्क पाउडर आप जो है 2 पैकेट 10-10 रुपीज़ वाले ले सकते हैं। ये सब करना है आपको। उसके बाद मैं इसको एक बड़े बाउल में मिक्स कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर सब मिक्स हो जाए। सबसे पहले मैं एलमंड को यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट आई यूज़ ओट्स, 4 मगज, ग्राउंड नट। मैं मिल्क पाउडर को थोड़ी देर रहने दूंगा, पहले मैं इसको मिक्स करूंगा। उसके बाद मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करूंगा। पहले आप इसके अंदर थोड़ा सी जो है इसको बीच में से हटा लीजिए। फाइनली ऑल आई मिक्स्ड और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपके अंदर फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर जो है इलायची भी डाल सकते हो। जब पूरा बन जाए तो आप इसको एक छोटे से जार में निकाल सकते हैं। छोटे से कंटेनर में भी आप निकाल सकते हैं ताकि आप इसको जिम में लेके जा सके, और जो बचा हुआ है वो आप एक सेकंड बड़े कंटेनर में रख सकते हैं। जब जब ये खत्म हो जाए तो आप इसको रिफिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं 15 ग्राम्स का मैं जो है एक स्कूप लूंगा। गाइज, इसकी अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है। अगर आप इसको 15 ग्राम भी लेते हैं, मैंने इसके अंदर एक स्कूप लिया हुआ है, ये 15 ग्राम का स्कूप है, ये वाला 15 ग्राम का स्कूप एक है। इसके अंदर आपको अगर आप एक स्कूप लेते हैं तो आपको 3 ग्राम प्रोटीन, अबाउ 5 ग्राम कार्ब और 5 ग्राम फैट मिल जाता है और 78 कैलोरीज आपको मिल जाती है। और आप इसकी जो एक स्कूप जो 15 ग्राम का है, इसका जो प्राइस जो कॉस्ट आता है वो सिर्फ आपको 5.5 रुपीज़ का आता है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको वाइट एग से कंपेयर करेंगे तो अभी का जो एग का रेट चल रहा है वो सेम टू सेम 5.5 ही चल रहा है अभी भी जो है। तो उसी हिसाब से अगर आप उसको देखा जाए तो आपके सामने मैं यहाँ पे कंपैरिजन डाल दूंगा, आप कंपैरिजन देख लीजिएगा एक वाइट एग में और आपको इस चीज़ के अंदर कितना डिफरेंस मिलता है। आपको कार्ब और फैट सबसे ज़्यादा इसमें मिल जाता है। मैं इसको 3 स्कूप लेता हूँ जो कि मुझे 15 रुपये में, 15 से 16 रुपये में पड़ते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है मुझे 9 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम ऑफ कार्ब और 15 ग्राम फैट
और 233 कैलोरीज मुझे इसमें मिल जाती है, जो आपको मैं साइड में बता दूंगा। इसको लेना कब है, इसको मैं अपने वर्कआउट के बाद लेता हूँ। जब मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता है तो मुझे जिम से घर आने के लिए कुछ 15-20-25 मिनट लग जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी इतना देर वेट करे, इसके लिए मैं इसको कंज्यूम करता हूँ उसी टाइम पे 3 स्कूप। और फिर घर पे आने के बाद आप थोड़ा सी बात लेते हैं, आप कपड़े चेंज करते हैं, इसको चेंज करते करते आपको 25 मिनट तो अबाव हो ही जाते हैं। तो जब तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद आप 2 एग 3 एग खा के इसकी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। आप वर्कआउट जाना चाहते हैं और आपने जो है अपना प्री वर्कआउट नहीं लिया है, तो आप प्री वर्कआउट की जगह पे इसको आधे घंटा या 45 मिनट पहले ले सकते हैं। एक बार मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है ये। टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसको कंज्यूम करने का तरीका ये बता दूंगा। 1 चम्मच आप इसको मुंह में डाल के डायरेक्ट इसके ऊपर आपको पानी पी लेना है और इसको निगल लेना है, इसके लिए क्योंकि इसके अंदर ओट्स है, अगर ये आपके माउथ में लगेगा तो पूरा मुंह में चिपक सकता है। अंदर ग्राउंडनट है, ओट्स है, तो ये आपके मुंह में चिपक सकता है, इसके लिए आपको डायरेक्ट इसको कंज्यूम करना है। और इसको हमने रोज किया था और पीसी भी है, तो इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आप जो है ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं, और आपको अगर फ्लेवर में कुछ अच्छा लगता है तो आप कोको पाउडर डाल सकते हैं, या तो आप इसके अंदर इलायची भी यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना है तो मैं सिंपल यूज करता हूँ, एक बार बना के देखिए, आप इसको खुद बना के देखिए, आपको खुद को मोटिवेशन अच्छा मिलेगा और ज़्यादा आपको प्रोटीन पाउडर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यूज़ कीजिए आपको इंशाल्लाह। किस तरह अपने डाइट को फॉलो करता हूँ मैं, किस तरह डाइट को किस टाइम पे लेता हूँ, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ तक आ ही गए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।